वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में चैप्टर नंबर 4, जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि डिफेंसेस। कैसे कैसे यहाँ डिफेंसेस, हम सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक में बात करेंगे डिफेंसेस की। सर, डिफेंसेस क्या होता है? कोई भी पर्सन है, उसने एक्ट करा वो क्राइम है, तो उस पर्सन को किस सेक्शन से किस सेक्शन तक हमें डिफेंसेस मिलेंगे? सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106। सर, डिफेंस क्या हो गया इसमें? जैसे मैंने किसी पर्सन को किल कर दिया, तो मैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 में से जो भी एक्ट, जो भी सेक्शन में जिसके मैं अंडर फॉल हो लूंगा, मैं उसका एक्सेप्शन ले सकता हूँ। सर, कैसे? जिससे मैं जंगल में था और मुझे लगा वहां कोई जंगली जानवर है, मैंने फायर कर दी, तो और वहां जबकि जंगली जानवर नहीं था, वहां एक पर्सन था, तो यहां मैं उस चीज का एक्सेप्शन ले सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मेरी उस इंटेंशन नहीं थी। हम इसी बारे में आगे बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टेक, गलती, कोई भी एक्ट आपने जो कर दिया वो गलती से हो गया। सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 हमें किस बारे में बताता है? मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक दो तरीके की होती है। देखिए, यहां लिख रखा मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी पीछे बताया था कि मैं जंगल में हूं और वहां मुझे कोई ऐसा लगा रात में जंगली जानवर है, तो मैंने फायर कर दी, और वहां जंगली जानवर नहीं था, वहां कोई इंसान था, तो मुझे एक्सेप्शन मिल सकता है। जो मेरी इंप्रिजमेंट होगी या जो भी मेरी पनिशमेंट होगी वो कम हो सकती है, क्योंकि वहां मेरी इंटेंशन नहीं थी, या मैं उस पनिशमेंट से भी बच सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सेप्शन हो गया, मेरा डिफेंस हो गया, क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन को किल करने की, मुझे ऐसा लगा, गलती हो गई मेरे से, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? सर, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, कि हमें ये लॉ पता ही नहीं था। जैसे हम बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, चलो क्राइम का एग्जांपल ले लेते हैं, हमने किसी को किल कर दिया, तो कोर्ट में कहा कि आपने किसी पर्सन को किल कराया, ये क्राइम है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किल करना एक क्राइम होता है। तो आप ऐसे एक्सेप्शन, ऐसे डिफेंस नहीं ले सकते जिसमें आप कहें कि मिस्टेक ऑफ लॉ, हमें लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपने कहा, पुलिस वाले ने रोक लिया आपको, आपसे कहा लाउड ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के पेपर दिखाओ, तो वो कहे गाड़ी के पेपर भी लाने होते हैं कार के साथ, या ड्राइविंग लाइसेंस भी कैरी करना होता है कार के साथ। तो आप ऐसे एक्सेप्शंस नहीं ले सकते, डिफेंस नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आप मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, आपके हाथ में गन है, तो आप कह रहे हैं कि आप मेट्रो स्टेशन में आप एंटर कर रहे हो, गन है, कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि गन अलाउड नहीं होती मेट्रो में। तो आप ऐसे एक्सेप्शन, ऐसे डिफेंसेस नहीं ले सकते जिसमें आप क्या करें कि मुझे लॉ की जानकारी ही नहीं है। मैगजीन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैगजीन क्या है? इग्नोरेशिया फैक्ट एक्सोसेट। और मिस्टेक ऑफ लॉ का मैगजीन क्या है? इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने यहां एक इमेज के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कि आप लॉ की इग्नोरेंस को एक्सक्यूज कर ही नहीं सकते, कि जैसे आपने कोर्ट में आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं और आपने अब्यूजिंग कर दिया, कोई भी ऐसी चीज बोल दी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, और आपको ये तो चीज मुझे पता ही नहीं थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो आप लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने इस पर्सन को किल कर दिया, तो आपका कोई भी डिफेंस नहीं होगा। टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल एक्ट्स, जुडिशियल एक्ट्स कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 77, सेक्शन 78। सेक्शन 77 जजेस, ये हमारा सेक्शन 77 किसके लिए होता है? जजेस के लिए होता है। यहाँ जजेस को क्या मिल जाते हैं? एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, डिफेंसेस मिल जाते हैं, कि वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वहां उन्हें डिफेंस मिल सकता है। आगे इसे डिस्कस करेंगे इंग्रीडियंट्स में। सेक्शन 78, पीपल हु एक्ट ऑन द ऑर्डर जजमेंट, मीन्स जो भी कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि जाओ, जैसे लाइक एग्जाम्पल, हमने कोर्ट में जज ने ऑर्डर करा किसे, पुलिस इन्वेस्टिगेटर को, कि आप जाइए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए, वो वहां गया, इन्वेस्टिगेट करी, लोगों से पूछताछ करी, करी उन्हें उस सर्च करा, तो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी कोर्ट के ऑर्डर पे वर्क कर रहा है कि जाइए इस पर्सन को पकड़ के लाइए, इसे कस्टडी में लाइए, तो उस पर्सन को गया, चोर को पकड़ा पुलिस वाले ने और उठा के लिया कोर्ट में, तो उस पर कोई भी केस नहीं होगा। क्यों? क्यों उसे एक्सेप्शन मिल जाएगा? किस चीज का एक्सेप्शन मिल जाएगा, किस चीज का डिफेंस मिल जाएगा? सेक्शन 78 का, क्योंकि उसने क्या करा है, कोर्ट के ऑर्डर पे वर्क करा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जैसे आपने कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप जाइए इस पर्सन को उठा के लाइए, या आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए, या कोर्ट ने कहा इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए, तो कोर्ट के जजमेंट पे, कोर्ट के ऑर्डर पे जो पर्सन वर्क कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्शन मिल जाएंगे। सेक्शन नंबर 78 हमें यह कहता है। कम टू द नेक्स्ट।
सेक्शन 77 इंग्रेडिएंट्स, मैंने क्या कहा था, सेक्शन 77 क्या बताता है, हमें जजेस के एक्सेप्शन और डिफेंसेस के बारे में बताता है कि हमारे जज को कब सिचुएशंस में, किस सिचुएशंस में जजों को हमारे एक्सेप्शन मिल जाता है, जज किस सेक्शन की वजह से डिफेंस ले सकते हैं, सेक्शन 77 मैंने कहा था आगे डिस्कस करूंगा, अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 77 में फर्स्ट पॉइंट, द जज मस्ट बी एक्टिंग जुडिशियली। देखिए जज अपनी पोस्ट को वर्क कर रहा हो, जज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, कैसे एक्टिविटी परफॉर्म, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जज ने पनिशमेंट दी किसी भी क्रिमिनल को, क्या पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, तो जज पे हम ये नहीं कह सकते कि आपने किसी पर्सन को किल कर दिया या आपने किसी पर्सन को किल करने की वो दे दी, पनिशमेंट दे दी, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो इस चीज का डिफेंस ले सकता है। सेकेंड, उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम जज को किसी ने उसमें पनिशमेंट दे दी 2 साल की जेल, 3 साल की जेल किसी भी पर्सन को दे दी, तो हम ये नहीं कह सकते देखो आपने किसी को ये एक्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। मेन रीजन क्या होना चाहिए, वो अपना वर्क कर रहा हो, गुड फेथ के लिए कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो अपने वेलफेयर के लिए जैसे किसी से घूस लेके वर्क कर लिया हो या पार्शल कर रहा हो, वो इक्वली ट्रीट जो उसने सजा दी है वो क्या हो, जिस पर्सन ने जितना क्राइम करा उसके हिसाब से उसे सजा दी हो, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ग्रेवियस क्राइम करा है, बहुत बड़ा क्राइम करा है तो उसे लीनियंट पनिशमेंट दे दी, तो उस पर क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, मगर वो गुड फेथ के लिए वर्क कर रहा हो, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो और प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा हो, तो वो इस चीज का डिफरेंस ले सकता है। कौन, जज। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 80 एक्सीडेंट। नॉर्मली सी बात है, ऐसा नहीं है किसी पर्सन से एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई पर्सन कार ड्राइव करो सडन कोई बेबी आ गया, कोई लेडी आ गई तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो इस सिचुएशन में किस सेक्शन 80 की वजह से वो क्या कर सकता, उस चीज का एक्सेप्शन ले सकता है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन को किल करने के लिए, मैं ड्राइव कर रहा था और गलती से मिस हैपनिंग हो गई। यहाँ ड्राइव का एग्जाम्पल काफी चीजों की एक्सीडेंट हो सकते हैं। और एग्जाम्पल बताइए सर, जैसे हाँ जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, गलती से डंबल हमारे हाथ से मिस हो गया और किसी के पैर पे गिर गया या किसी के मुंह पे गिर गया, तो यहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ हमारी इंटेंशन नहीं थी कि उस पर्सन को हम हार्म पहुंचाए, यहाँ हमारे से बाय मिस्टेक सॉरी बाय एक्सीडेंट हुआ है कि हमारी ये हमारी सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए, सरकमस्टांसेस ऐसे अराइज हो गए कि हमारे से वो चीज हो गई, हमने जानबूझ के नहीं करा, हमारी इंटेंशन उस पर्सन को हार्म करने की नहीं थी, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन ऑन नॉलेज। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मींस हम उस पर्सन को उस चीज को क्या हार्म नहीं करना चाह रहे थे। सेकंड, लॉफुल एक्ट। आप ऐसा ये चीज नहीं कह सकते कि मैं इलीगल गन लेके दाएं-बाएं फायरिंग कर रहा था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बट उस पर्सन को लगे, नहीं, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, बाय लॉफुल मैनर परफॉर्म हो, लॉफुल मीन्स हो, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। तो आपकी ये चीज कई चीज देखी जाती है कि एक्सीडेंट में कैसे, कि आप कार ड्राइव कर रहे थे तो कार बहुत तेज तो ड्राइव नहीं कर रहे थे, मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जिम जा रहे थे तो जिम में आप ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे उछाल उछाल के डंबल से खेल रहे हैं जब जान मुश्किल लगा, नहीं, आप प्रॉपरली अपना वर्कआउट कर रहे थे, गलती से मिस हैपनिंग हो गई, वो कहाँ करी जाती है, सेक्शन 80 में चेक करी जाती है, और सेक्शन 80 की वजह से क्या हमें एक्सीडेंट में एक्सेप्शन मिल जाता है, डिफेंस मिल जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है, द एक्ट मस्ट बी डन अंडर गुड फेथ। जो भी एक्ट डन करा हो किस गुड फेथ की वजह से करा गया हो, जैसे एग्जांपल बताते हैं कि बहुत मतलब एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर में बहुत सारे चोर आ गए और वो मुझे जान से मारने वाले हैं, उनका नाइफ मेरे नेक पे है और मैंने उनका हाथ घुमा के उन पे नाइफ डाल दिया, तो मेरे जान को बचाने के लिए मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो बस मुझे पता था कि अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, कि मुझे अब कोई सिचुएशन ही नहीं बची थी मेरे पे, मुझे इस एक्ट का करना बहुत जरूरी था, तो वहां एक्सेप्शन हम किसके लिए ले सकते हैं, सेक्शन 81 की एक्सेप्शन ले सकते हैं। और एग्जांपल जैसा हाँ मैं बहुत मतलब कोई भी ऐसा एक्ट करना कि आप उसके बिना आप पे बहुत ज्यादा सिचुएशन हो गई, जैसे कोई भी पर्सन है किसी लेडी का रेप कर रहा है और लेडी ने क्या करा, उसे किल कर दिया या उसे धक्का मार दिया या रोड लेके उसके सर पे मार दी, तो वो किसका एक्सेप्शन ले सकती है, सेक्शन 81 का एक्सेप्शन ले सकती है, डिफेंस ले सकती है किसका, सेक्शन नंबर 81 का। देयर मस्ट बी नो मींस मेंशन नहीं होनी चाहिए, इविल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, उस लड़की को उस पर्सन को मारने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, वो उसका रेप करने आ रहा था, उसने रोड लेके अपने आप को बचाने के लिए, नेसेसिटी अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, उसे रोड लेके उसके सर पे मार दी, तो वहां उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो उसकी जरूरत बन चुकी थी, ठीक है। सेक्शन नंबर 82 एंड 83 इन्फेंसी के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 82, अंडर 7 ईयर चाइल्ड कंप्लीट एग्जम्प्टेड, मींस जो 7 साल से छोटा है या 7 साल तक है वो बच्चा क्या कोई भी क्राइम करता है तो उसे क्या मिलेगा, कंप्लीट एक्सेप्शन, कि उसे बिल्कुल कहा जाएगा कि आपकी गलती नहीं है, क्यों भाई 7 साल का छोटा बच्चा कोई क्राइम कर रहा है तो क्यों उसे सजा नहीं दे रही,
इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो उसका माइंड है प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुआ, उसे सही गलत का नहीं पता, इसलिए 7 साल से छोटा और 7 साल तक के बच्चे को क्या करा जाता है, कंप्लीटली एग्जम्प्टेड करा जाता है। सेक्शन 83 अंडर 7 to 12 ईयर चाइल्ड एग्जम्प्शन सब्जेक्ट टू मेच्योरिटी ऑफ माइंड। अगर कोई चाइल्ड 7 साल से 12 साल तक का है तो उस जगह हम उसकी एग्जम्पशन को कैसे देखेंगे कि उसका माइंड डेवलप्ड हो चुका है, मतलब मैच्योर हो चुका है, उसे अपने सही गलत का फायदा पता है या नहीं पता। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 8 साल का बच्चा था, उसमें कोई चेंज हुआ है और जाके वो मार्केट में बेच रहा है, तो उसमें सेंस है, वहां हमने देख लिया कि उसकी मेच्योरिटी ऑफ माइंड मतलब उसमें दिमाग है, वो डेवलप्ड हो चुका है उसे, क्योंकि उसने उस दुकान से चुरा ली और उसके बाद उसे बेचना भी जानता है, तो हम यहाँ कहेंगे, कंसिडर करेंगे कि उस बच्चे को मेच्योरिटी है, उस बच्चे को दिमाग है। तो ये सेक्शन 83 हमें वहाँ एक्सेप्शन दिलवाता है कि उस बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ तो हम वहाँ उस चीज का एक्सेप्शन दे सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट 84 इंसैनिटी एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी एक्ट हमारा अनसाउंड माइंड पर्सन ने करा, मींस कोई भी मेंटल डिसऑर्डर पर्सन है, उसने कुछ भी कर दिया तो वहां उसे उस चीज का एक्सेप्शन मिल जाता है। ठीक है, क्यों मिल जाता है, क्योंकि उसका माइंड वर्क नहीं है, माइंड डेवलप नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी एक्ट करता है तो वहां उसका एक्सेप्शन मिलता है। देखिए, कंप्लीटली एग्जम्प्टेड नहीं मिलता। अगर आपने किसी को किल कर दिया बाय मिस हैपनिंग तो ऐसा है कि आपको जाओ जाओ कोई बात नहीं, आपको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन मिल जाता है, जो आपकी पनिशमेंट है, जैसे 5 साल की सजा होनी होती है तो उस एक्ट में आप, सॉरी उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 5 साल की सजा होनी होगी, उस क्राइम की पनिशमेंट 5 साल की सजा होगी तो आपको 2 साल की मिल जाएगी, 1 साल की मिल जाएगी, तो थोड़ा एग्जम्प्शन हो जाता है। सच अ पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, क्योंकि हमने क्या कहा, अनसाउंड माइंड पर्सन को उसका नेचर नहीं पता हुआ एक्ट का, कि मैं क्या कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेंटली डिसऑर्डर है तो उसे नहीं पता कि क्या करना सही है, दैट्स व्हाई उसे एक्सेप्शन मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, सच इनकैपेबिलिटी मस्ट बी रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब उसका जो रीजन होना चाहिए कि वो उसका मेंटली डिसऑर्डर है, इसी वजह से उसे एक्सेप्शन मिलेगा। इनकैपेसिटी शुड बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। कैसे सर, कई पर्सन होते हैं लुनेटिक, लुनेटिक पर्सन कौन से होते हैं, लुनेटिक पर्सन वो होते हैं जिन्हें टर्मिनल ऑफ शॉक्स आता है, मीन्स कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्हें शॉक्स आते हैं, जैसे गजनी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अपना अनसाउंड माइंड हो जाता था, कि उसे याद नहीं रहता था, फिर कुछ टाइम पीरियड बाद याद आ जाता था। तो ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशंस पे जब उसने वो एक्ट करा तो उस एक्ट के टाइम पे वो क्या होना चाहिए, क्या उसका वो लुनेटिक पीरियड हो, उसे उसका जो माइंड है वो वर्क ना करो। ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे पर डे 5 मिनट का शॉक आता है तो जो मैंने एक्ट करा वो किसी भी टाइम कर लिया, नहीं, अगर मैं लुनेटिक हूँ तो वो मुझे 5 मिनट का जो शॉक आता पर डे वो उस टाइम आए जिस टाइम वो मैं एक्ट कर रहा हूँ, तभी उसका हमें एक्सेप्शन मिलेगा किस सेक्शन में, 84 सेक्शन में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 85 और सेक्शन 86 इनकैपेबल ऑफ हैविंग अ मेंटल एलिमेंट, मतलब आप मतलब अपनी सोच मतलब सोच विचार नहीं कर पा रहे, सोच विचार कैसे, मतलब आप इनकैपेबल हो अपने डिसीजन के लिए, मीन्स जैसे मैंने दारू पी रखी है, मैंने ड्रिंक कर रखा अल्कोहल है ना, बहुत ज़्यादा मैं ड्रिंक कर रखी है मैंने, तो मुझे अपनी मतलब सेंस ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्ट क्या नहीं कर रहा। तो मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि आप अल्कोहल पी और किसी को भी मार दो, नहीं, अभी पूरी बात कंप्लीट होने दो। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मीन्स आपको कोई फोर्सली फ्रॉडली विदाउट नॉलेज, मतलब आपको कोई बिना आपको बिना बताया आपकी ड्रिंक में अल्कोहल मिला दे, सॉरी आपकी कोल्ड ड्रिंक में या आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में किसी भी चीज़ में आपको अल्कोहल इनटेक करवा दे या आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे दे कि जिससे आपकी जो मेंटल लेवल है या मेंटल लिमिट आप वर्क नहीं कर पाओ, अपने डिसीजन नहीं ले पाओ, तो उस केस में आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। बट वॉलेंट्री, अगर मैं खुद कंज्यूम कर जा रहा हूँ अल्कोहल, खुद कंज्यूम कर जा रहा हूँ और मैं उसके बाद कोई एक्ट ऐसा करता हूँ तो मुझे उसमें पनिशमेंट मिलेगी, मुझे उसमें एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ये सेक्शन हमें 85 86 बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 87 सेक्शन 87 क्या था, देखिए स्टूडेंट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे आईपीसी के सेपरेट वीडियो बनेगी, स्टार्टिंग की आपकी सीरीज में आपने चेक करा होगा कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे सेक्शन 34 सेक्शन 21 उन सबके लिए ही सेपरेट वीडियोस बनी थी, तो यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उन सेक्शंस के एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी और यहाँ ओवरव्यू दिया जा रहा है सारे सेक्शंस का। 87 वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मीन्स जहाँ आपने अपनी इच्छा कंसेंट वॉलंटरी दे चुके हैं वहाँ आप केस नहीं कर सकते किसी भी इंजरी के लिए। सर कैसे, आप एग्जाम्पल बताइए, जैसे आप बॉक्सर हैं, आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, आपके अपोनेंट ने आपको पंच कर दिया, तो आप जाके ये नहीं कह सकते उस अपोनेंट पे केस नहीं कर सकते कि सर आपने उस पर्सन ने उस अपोनेंट ने मुझ पे पंच कराया, क्यों, क्योंकि आपने वॉलंटरी मींस आपने अपनी कंसेंट दी थी, जब आप बॉक्सिंग खेल रहे थे तो आपने अपनी कंसेंट दी थी, आपको पता था उसमें रिस्क है, आपने साइन करे होंगे तो उस चीज में क्या हो गया, आपने अपनी कंसेंट दी है तो आप इंजरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल, दो कार है रेसिंग क्लब में, आप ऑडियंस है, आप कोई भी कार रेसिंग देखने चले गए
वहां दो कारों का क्या हो गया, कोलैबोरेट हो गया, क्रैश हो गई, और एक कार की वजह से ऑडियंस को, यानी कि मुझे, मैं देखने गया था तो मुझे इंजरी प्रोवाइड हो गई, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। क्यों क्लेम नहीं कर सकता? क्योंकि जब मैंने टिकट ली होगी तो मैंने वहां कंसेंट शो कर दिया होगा कि इसमें रिस्क भी है और मैं इसे रिस्क देखने जा रहा हूं। बंजिंग जंपिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हैं तो पीछे वाला पर्सन आपको धक्का देता है, अगर आप रोप बाय चांस मिस हैपनिंग एक्सीडेंट की वजह से वो रोप टूट जाती है तो पहले ही बंजिंग जंपिंग पे आपसे कंसेंट करवा लिया जाता है कि हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कोई मिस हैपनिंग होती है। तो वहां आप अपनी वॉलंटरी, मतलब अपनी कंसेंट से जा रहे हैं, तो आप इंजरी के लिए क्लेम नहीं करेंगे। कई अम्यूजमेंट पार्क में जो बहुत डेंजरस राइड होती है, तो उस राइड में भी आपको जब अम्यूजमेंट पार्क का टिकट लेते हैं तो आप अपनी कंसेंट को शो करते हैं। अगर मिस हैपनिंग की वजह से वो झूला टूट जाता है या वो राइड, किसी भी उस राइड में आपको इंजरी प्रोवाइड हो जाती है, तो अम्यूजमेंट पार्क वालों की गारंटी नहीं होती, वो आपको क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कंसेंट है। ये क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर 87। सेक्शन नंबर 88, एक्ट डन इन अ गुड फेथ डॉक्टर एंड सर्जन। ये डॉक्टर एंड सर्जन के लिए होता है, कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, कौन कौन है, या डॉक्टर या सर्जन कोई एक्ट कर रहे हैं आपके गुड फेथ के लिए और वहां मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो क्या ले लेते हैं, उस चीज का एक्सेप्शन ले लीजिए, उस चीज का डिफेंस ले लेते हैं। जैसे कि कोई सर्जन आपका इलाज कर रहा है, गलती से आपकी डेथ हो गई, तो आप कह नहीं सकते कि इस डॉक्टर ने मेरे पेशेंट को मार दिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके गुड फेथ के लिए वर्क कर रहे हैं, वो सेक्शन 88 का क्या ले लेंगे, एक्सेप्शन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉक्टर ने किसी को भी मार दिया तो उस पर केस नहीं होगा। नहीं, वहां देखा जाएगा, उस केस में स्टडी करी जाएगी कि उस डॉक्टर ने प्रिकॉशंस लिए थे या नहीं लिए थे, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था नहीं कर रहा था, या उसकी कोई इंटेंशन तो नहीं थी इवन उस पर्सन को ही किल करने की। सेक्शन नंबर 89, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, कंसेंट ऑफ गार्जियन प्लस बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। कोई भी एक्ट ऐसा आप कर रहे हैं किसी भी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, गुड फेथ के लिए, उस वेलफेयर के लिए, तो उस जगह क्या मिल जाता है, आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेंट होनी चाहिए उसकी गार्जियन की एंड बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, मतलब उस चाइल्ड का क्या होना चाहिए, उस चीज में, उस एक्ट में बेनिफिट होना चाहिए। 90, व्हाट इज नॉन कंसेंट, मींस एक पर्सन कंसेंट देता है बट हम उस टाइम उसकी कंसेंट नहीं मानते। कैसे नहीं मानते सर? एक पर्सन ने कंसेंट दे दी जब सर, तो हम उसे कंसेंट क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, ए पर्सन है, मैं उसे प्रेशराइज कर रहा हूं कंसेंट देने को, या उसकी बाय फ्रॉड कंसेंट ले रहा हूं, तो हम उसे कंसेंट नहीं मानते। एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखो मैं दो एग्जांपल से समझाऊं। जैसे किसी भी पर्सन से मैंने कहा ये प्रॉपर्टी इतने की मिल रही है तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो बाय फ्रॉड मैंने उससे कंसेंट ले लिया, किसी भी तरीके से उसके सिग्नेचर ले लिए, उसकी कंसेंट ले ली बाय फ्रॉड, या मैं उस बंदे को प्रेशराइज कर रहा हूं, अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी बेची नहीं, मेरी अपनी कंसेंट नहीं दी अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मतलब हम एक पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हैं या फ्रॉड से या किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसकी कंसेंट ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, सेक्शन 90 में कहेगा कि वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। वहां उस पर्सन को क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा जिसने अपनी कंसेंट दी है। सेक्शन 91, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट्स, मींस ऐसे हमारे एक्ट्स जिनका क्या, जिनका होना एक ऑफेंस है, उसमें हमें डिफेंस मिल जाए। जैसे सर मिसकैरेज, बेबी को गिराना क्या है, हमारे इंडिया में एक ऑफेंस है, बट एक कैसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो जहां मां को प्रॉब्लम हो, मतलब मां मरने वाली हो, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम बेबी गिरा सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी कंसेंट, मींस हमने कंसेंट दे दी, उनकी गार्जियन से कंसेंट ले ली, मदर ने कहा कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए और मैं गिरा दूं। नहीं, ये एक ऑफेंस कहलाएगा अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहा है कि मां की जान को खतरा है, बेबी को गिराना पड़ेगा नहीं तो मां मर जाएगी, तब उस केस में हम क्या करते हैं, हम सेक्शन 91 का डिफेंस ले लेते हैं। सेक्शन 92, एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, मीन्स हमने कोई ऐसा एक्ट कर दिया उस पर्सन की कंसेंट लिए बिना, उस पर्सन का बेनिफिट है इसलिए। सर उस पर्सन की कंसेंट भी ली नहीं, उस पर्सन का बेनिफिट भी है, आपने एक्ट भी कर दिया, कैसे? कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है, चाहे इधर गर्ल, मेल, बॉय, मैन, वुमेन, कोई भी पर्सन है, कोई कार आ रही है बहुत तेजी से स्पीड, उसका एक्सीडेंट होने वाला और मैंने उसे धक्का दे दिया, मैंने उसके गुड फेथ के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैंने उसे धक्का दे दिया, उसे चोट लग गई और वो मुझ पर क्लेम कर रहा है, ये मुझसे कह रहा है आपकी वजह से, उसने मेरे पे केस डाल दिया कि आपकी वजह से मुझे चोट लगी है, तो वहां मैं किसका एक्सेप्शन लूंगा, सेक्शन 92 का, मैं कोर्ट में कहूंगा कि मैंने इसके गुड फेथ के लिए, इसकी जान को बचाने के लिए क्या करा, इसे धक्का दे दिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मुझे इस जगह सेक्शन 92 का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक, कम टू द सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सन से उसके गुड फेथ के लिए। एग्जांपल, मैं डॉक्टर हूं, मेरा पेशेंट है, पेशेंट के पास बहुत कम समय रह गया, तो मैंने पेशेंट से कहा आपके पास जीवन में बहुत कम समय रह गया है, तो वो पर्सन इस न्यूज को सुन के शॉक्ड हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो इस सिचुएशन पे
क्या होगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो कम्युनिकेट करा है वो गुड फेथ के लिए करा है। सेक्शन 94, एक्ट टू डू व्हिच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय अ थ्रेट, मींस हमने किसी भी पर्सन को थ्रेट देके कोई एक्ट करवाया है, उसे डरा के धमका के वो एक्ट करवाया है, तो किसका एक्शन ले लेगा, किसका हमारा डिफेंस ले लेगा, सेक्शन 94 का। सेक्शन 9 95 में सेक्शन कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म, कोई भी हमने ऐसा एक्ट करा है जिसमें स्लाइटली हार्म हुआ है तो उसमें वहां उस पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 96 से लेके 106 तक की, यहां क्या प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात हो रही है। थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस, कोई भी हमारा ऐसा एक्ट करा हुआ है जो हम अपने अपने आप को डिफेंस करने के लिए कर रहे हैं, वो एक्ट में वहां हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिफेंस मिल जाएगा। बट हम सारी केस स्टडीज मींस उस केस की पूरी स्टडी करेंगे कि हमने वो एक्ट करा वो सच में कोई प्लान तो नहीं था, कोई प्रिपेयर तो नहीं था, कोई हमारा इविल इंटेंशन तो नहीं था, वो सच में ही प्राइवेट डिफेंस था या नहीं था, वो सब बातें हम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनकी आगे डिटेल में करेंगे। सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ अ प्रॉपर्टी, मीन्स हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए या हमारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमने कोई भी ऐसा एक्ट कराया तो वो हमें सेक्शन 97 उस चीज का डिफेंस दे देगा। सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मींस कोई भी अनसाउंड माइंड कोई एक्ट कर रहा है उस चीज में हम क्या कर रहे हैं, अब उसे बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें सेक्शन 98 का डिफेंस मिल जाएगा। मींस कोई भी पागल है वो मुझे पत्थर लेके मार रहा है, मैंने उसका हाथ पैर बांध के पकड़ दिया, तो यहां मुझे क्या, मैं उस अनसाउंड माइंड से बचने के लिए क्या कर रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं, तो मुझे 98 का डिफेंस मिल जाएगा। 99 हम एग्जांपल से समझेंगे, कैसे, मैं हूं, मेरे घर में पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन करने कि आपने उस लड़के का मारा या आपने चोरी करी, तो मैं ये नहीं कर सकता मैं उस पुलिस वाले का किल कर दूं कि ये मेरे पास पूछने आया, मैं प्राइवेट डिफेंस कर दूं, नहीं, कहीं भी ऐसी चीज नहीं हो सकती। कोई भी आया आपसे पूछताछ करने, इन्वेस्टिगेशन करने, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी पर्सन है, तो हम ये नहीं कह सकते पर्सन आया पुलिस वाला आया और मेरे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मुझे जान का खतरा था तो इसलिए मैंने चाकू मार दिया, नहीं, ये चीज हम यहां सेक्शन 99 में प्राइवेट डिफेंस में नहीं ले सकते कि हम ऐसे कह सकते कि ये तो पर्सन आया था और मुझे इससे जान का खतरा था पुलिस ऑफिसर से इसलिए मैंने मार दिया, इस बात का ध्यान रखें। सेक्शन 100 क्या कहता है, व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मींस हमारी जब डेथ तक की बात हो तभी हम सेक्शन 100 का डिफेंस ले सकते हैं, ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि वो मुझे थप्पड़ मार रहा था मैंने उसे जान से मार दिया, नहीं, जब आपकी पूरी जान पे बात आ जाए तब आप उस चीज में प्राइवेट डिफेंस में वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने चाकू मार दिया आपको कोई थप्पड़ मार रहा था, इस बात का ध्यान रखें। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, मींस सेक्शन 101 ये कहता है कि हम तब तक एक पर्सन को किल नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने मुझे धक्का दे दिया या किसी पर्सन ने मेरा थप्पड़ मार दिया या मुझे चार लड़के लाके पीट दिया तो मैं उसे जान से मार दूं, नहीं, जब तक मेरी जान पे बात नहीं आएगी, जैसे कोई रेप केस हो गया या मर्डर की बात हो गई या 10-20 लड़के आपको एसिड फेंक रहे, तभी उस केस में आप उस पर्सन की डेथ कर सकते हैं, मतलब उस पर्सन को किल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को किल। सेक्शन 102 हमें क्या डिफेंस देता है, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी पे, देखिए यहां ऐसा होना चाहिए आपकी बॉडी पे हम हो रहा तो आपको पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़की आए और किसी को चाकू मार दिया ये मेरा रेप करने वाला था, नहीं, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके ऊपर तेजाब फेंकने वाला था, उसकी श्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे आप किसी को नहीं किल कर सकते, यहां आपको डिफेंस मिल जाएगा कि हाँ वो मेरे पर करने वाला था, हमला करने वाला था, ऐसे सरकमस्टांसेस थे तब मैंने ये करा, ये कोई है कि रेप हो जाएगा तब मैं उसे किल करूं, नहीं, अगर वो रेप करने वाला था किसी लड़की का तो आपको ऐसे सरकमस्टांसेस दिख गए थे, श्योरिटी हो चुकी थी कि वो तेजाब लेके आ रहा है या मेरा रेप करने वाला है, तब मैंने उसे इस सरकमस्टांसेस होने से पहले ही मैंने उसका किल कर दिया, तो यहां हमें इस चीज का डिफेंस मिलता है। 103, the right of the private defense of the property extend to causing death, means क्या है, आप यहाँ में डिफेंस होता है हमारी प्रॉपर्टी के लिए, अगर कोई हमारा पर्सन हमारी प्रॉपर्टी पर आग लगा रहा है कुछ कर रहा है तब हम उसका क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन में डिफेंस ले सकते हैं, हमने ये एक्ट करा है इस वजह से कि वो हमारी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है। सेक्शन 104 में बताता है कि अगर कोई पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट नहीं करा, बहुत ग्रेवियस एक्ट नहीं करा, बहुत डेंजरस एक्ट नहीं है उसका, तो तब तक हम उसे जान से नहीं मार सकते, जैसे कोई पर्सन आया आपके घर में चोरी कर रहा है या आपकी लूट कर रहा है, आपके घर में आ गया 2-3 लोग रात में, तो आप उन्हें पीट पाट सकते हैं, ऐसा नहीं कि जान से मार दिया, अगर वो आपकी चोरी करना है, गाड़ी चोरी करना है, रिंग चोरी करना है तो उसे जान से मार दो, नहीं, आप उसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत मार सकते हैं, बांध सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, ये सब चीज आप कर सकते हैं, या आपको डिफेंस मिल जाएगा 104 में कि वो मेरे घर चोरी करने आया तो मैंने उसे डंडे से मार दिया, मैंने 2-4 उसे थप्पड़ मार दिए, ठीक है। 105,
कमेंडेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे आग लगाने वाला है, कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको पता चल गई तो आप उस जगह यहाँ उसे कुछ पकड़ लिया या आपने उसे पीट दिया तो यहाँ आपको 105 का डिफेंस मिल जाएगा कि मुझे श्योरिटी हो गई थी ये मेरी प्रॉपर्टी में आग लगाने वाला था, रात में मैंने इसे मिट्टी तेल गिरता हुआ देख लिया, पेट्रोल गिरता हुआ देख लिया मेरी फैक्ट्री में, इसलिए मैंने इसे पीटा। ठीक, 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट पर्सन। मीन्स अगर कोई भी एक्ट हो रहा है वहां और आपने इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुंचा दिया तो भी आपको डिफेंस मिल जाएगा। मतलब सर एक इनोसेंट पर्सन को भी हम कुछ कर सकते हैं तो हमें डिफेंस मिल जाएगा? हाँ, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। कैसे? जैसे बहुत सारी भीड़ के मतलब 5-6 लड़के हैं और मेरी जान लेने आ रहे हैं और मैं अपनी जान को बचाने के लिए क्या मैंने रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग कर दी और वहां उस भीड़ में 5-7 के साथ 2-4 मार्केट में कोई भी इनोसेंट बेबी हो या कोई भी पर्सन हो उसके गोली लग जाए पैर पे हाथ पे तो वहां मुझे डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि मेरी इंटेंशन उन्हें पहुंचाने की नहीं थी, वो 5-7 लड़के मेरे पे जान से मारने आ रहे थे मुझे, मैंने अपनी जान को बचाने के लिए क्या करा वो एक्ट करा, तो यहाँ इनोसेंट पर्सन को भी अगर हार्म हो जाता तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा। होपफुली सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे DM कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए वीडियोस में शॉर्ट्स में इसलिए समझाया जा रहा है आपके कंसेप्ट्स लिए जा रहे हैं, अगर जो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है या अगर आपको किसी भी एक सेक्शन में कोई क्वेरीज है तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके लिए आगे डिटेल में वीडियोस बनाई जाएगी। थैंक यू।